ब्लॉग एकदम फिर से आ चुके हैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर, और आज हम एक और नए कैफे में आए हैं। ये आपने जीरो डिग्रीज तो सुना होगा, बहुत फेमस है बहुत सारी जगहों पे। उन्हीं का ये एक वेंचर है जीरो कोर्टयार्ड, जो कि जनपद में बिल्कुल रिसेंटली खुला, मतलब अभी 10 डेज हुए हैं इसको खुले हुए, और हम आ चुके हैं आपके लिए कवर करने। तो दिखाते हैं आपको ये पूरा कैफे। ये इसके अंदर जो जो ट्विस्ट आए हैं वो आपको वीडियो में पता चलता रहेगा कि ये जीरो डिग्रीज से कैसे डिफरेंट है, जीरो कोर्टयार्ड में ऐसा क्या डिफरेंट है जो जीरो डिग्रीज में नहीं है, तो वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। और भाई, वीडियो शुरू करने से मैंने आपको ये बता दूं कि हमारे चैनल पे मैं देख रही हूँ सिर्फ 6% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। भाई मतलब आप लोग वीडियो देखते हो बट चले जाते हो, सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, दिस इज नॉट फेयर यार, ऐसे मोटिवेशन कैसे आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि हम आपके लिए ऐसे नए नए कैफेज लाते रहे, तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना प्लीज। आपने जीरो कोर्टयार्ड का एम्बियंस देखा, जो कि बाकी सारे जीरो डिग्रीज से काफी ज्यादा बढ़िया बना हुआ है। मतलब ये ना काफी बड़ा बना हुआ है जीरो डिग्रीज के, तो मतलब छोटे छोटे आउटलेट्स हैं बस, ये इसके जैसे अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। एक इंडोर में ही सेक्शन है, एक थोड़ा जहाँ से ऊपर शेडेड एरिया वाला होता है वहाँ पर एक सेक्शन बनाया हुआ है इन्होंने, जहाँ पर नीचे पेबल्स हैं। और वहीं पर ना हम लोग वैलेंटाइंस डे के आसपास गए थे, तो वैलेंटाइंस के लिए थोड़ा बहुत डेकोर भी हुआ था, वो भी बड़ा अच्छा लग रहा था। उसके अलावा यहाँ पे एक विंडो, बड़ी बड़ी विंडोज़ वाली सीटिंग भी है, सोफ़ा सीटिंग्स, ग्रुप सीटिंग्स हैं वो बेसिकली। तो काफ़ी डिफरेंट, मतलब डिफरेंट सा बनाया हुआ है इन्होंने, जैसे नॉर्मली जीरो डिग्री होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, तो आई रियली लाइक इट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जीरो डिग्रीज और जीरो कोर्टयार्ड का डिफरेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फूड की बात करें, तो फूड आपको जीरो डिग्रीज में सिर्फ और सिर्फ इटालियन क्विजीन मिलती है, बट जीरो कोर्टयार्ड जो अभी सीपी जनपद में खुला है वहाँ पर आपको मल्टी क्विजीन मिल जाती है, मतलब आपको इंडियन में मिल जाता है और हर एक चीज़ में, जैसे इनका जो पिज़्ज़ा फ्राइज वगैरह बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उसके अंदर आपको इंडियन टच मिल जाता है। इसके अलावा जीरो कोर्टयार्ड लुधियाना कपूरथला में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बट दिल्ली में ये फर्स्ट टाइम आया है जनपद में। और बेस्ट पार्ट यहाँ की आपको पता ही क्या है कि यहाँ पर आपको हार्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, हुक्का एंड ऑल भी मिल जाता है, जो कि नॉर्मली जीरो डिग्रीज के आउटलेट्स में नहीं मिलता है। इसके अलावा एक और जो डिफरेंस है वो ये है कि जीरो कोर्टयार्ड जनपद में आपको लाइव सिंगिंग भी मिल जाती है, जो जीरो डिग्रीज में नहीं है। फूड में हमने यहाँ पर सबसे पहले ट्राई किया पिज्ज़ा, क्योंकि आपको पता है जीरो डिग्रीज का पिज्ज़ा इज लाइक वेरी गुड। इट मतलब ये ना जीरो डिग्रीज फूड प्रेजेंटेशन के लिए फेमस है, एंड सेम जीरो कोर्टयार्ड भी वही है। यहाँ पर आपको पिज्ज़ा वैसे ही हार्ट शेप मिलता है, और इन्होंने ना, हमने जो यहाँ पर पिज्ज़ा ट्राई किया दैट वॉज वेज मखनी पिज्ज़ा। तो अब बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कि ये इंडियन टच इन्होंने दिया हुआ है, तो पिज्ज़ा का टेस्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो इट वॉज वेरी वेरी यमी। और उसके अंदर ना मतलब ग्रेवी ग्रेवी जो उसकी सॉसेस थी वो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ मखनी मखनी वाली इंडियन टच वाली ग्रेवी होती है ना, वो थी। साथ में इसके अंदर टॉपिंग्स पनीर था, अनियंस थे, तो काफ़ी मतलब चीज़ तो ऑब्वियसली था ही, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफरेंट टेस्ट आ रहा था। इंडियनिश पिज्ज़ा अगर आपको खाना है तो यू कैन डेफिनेटली कम टू जीरो कोर्टयार्ड। इसके अलावा जैसे यहाँ पर ना इंडियन प्लैटर्स, जैसे इंडियन क्विजीन में अगर आपको प्लैटर वगैरह लेना है तो पनीर टिक्का, फलाफल, पीटा ब्रेड ये सब भी है, बट हमने अनफॉर्चुनेटली वो ट्राई नहीं किया, क्योंकि ना अब हम मतलब अभी हमने पीछे कुछ काफ़ी सारे कैफ़ेज़ में खाया, लाइक स्काई हाई नोएडा में खाया, लिमिटलेस में खाया, तो हम बोर हो चुके थे। बाय द वे, आपने वो वाली वीडियोज़ चेक नहीं करी तो ऊपर कार्ड्स में आपको लिंक मिल जाएगा, चेक कर लेना। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर ट्राई किया था फ्राइज 65।
इन्होंने बोला था वो ट्राई करो। जैसे चिकन 65 होता है ना, वो होता है ग्रेवी के साथ चिकन आता है, ये फ्राइज आते हैं ग्रेवी के साथ। एंड द बेस्ट पार्ट इज, जैसे आपको पता है 0 डिग्रीज में फ्राइज जार में आते हैं, जो कि प्रेजेंटेशन में तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते ही हैं। प्लस इसमें ना क्या था, ऊपर पनीर टिक्का था, विच वॉज टेस्टिंग लाइक नॉट पनीर टिक्का, मतलब पनीर के पीसेस थे जो कि चिली पनीर काइंड ऑफ लग रहे थे, बहुत स्पाइसी। और जैसे मतलब ऑनेस्टली मैं अगर अपने मम्मा पापा की चॉइस बताऊँ ना, तो उनको चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद। अगर आप लोगों को चीज़ नहीं पसंद तो ये फ्राइज 65 आप डेफिनेटली खा सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी ऐसे इंडियन फ्लेवर वाला, इंडियन फ्लेवर इसके अंदर, पेरी पेरी मसाले वाले ग्रेवी वाले फ्राइज थे, विच इज वेरी वेरी टेस्टी, आई पर्सनली लव इट। एंड साथ में हमने यहाँ पर चॉको ब्राउनी शेक इनका ट्राई किया था, जो कि बहुत ज़्यादा हमें, मतलब पहले भी हम कर चुके हैं ट्राई, क्योंकि हमने 0 डिग्री सी पे भी कवर किया था, तो वो भी आपने नहीं देखा तो ऊपर चेकआउट कर लेना। कार्ड्स में शेक काफ़ी अच्छा होता है, इनका प्रेजेंटेशन तो मैंने आपको बताया है कि इनकी फूड प्रेजेंटेशन इज़ वेरी वेरी गुड, तो उस हिसाब से आप देख रहे हो यहाँ पर चॉको बार लगी होती है, चॉको ब्राउनी है, तो ब्राउनी चॉकलेट ये सब तो होती है, ऊपर कॉफ़ी थिक क्रीम से ना इन्होंने ऐसे बहुत सुंदर सा ऊपर तक प्रेजेंटेशन बनाई होती है, मतलब डेकोर किया होता है, जो कि बहुत देखने, मतलब पिक्चर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है। तो हमने आपको यहाँ का एम्बियंस दिखा दिया, फूड दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया। अब आप बताओ कि आपको कैसा लगा ये 0 कोर्टयार्ड, क्योंकि इसका एम्बियंस मतलब बाकी सारे 0 डिग्री से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें, और मतलब मज़ा आया यार, एक इटालियन क्विजीन में इंडियन टच खा के भी मतलब काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगा, मज़ा आया, पिज्ज़ा वॉज वेरी नाइस। सो आप बताना मेरे को कॉमेंट्स में कि आपने अभी तक यहाँ पर विजिट किया है या नहीं, और आपका एक्सपीरियंस कैसा था। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू गिव इट अ थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय।